अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आपका नाम? मेरा नाम ज़मर मुख्तार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है अल्लाह का शुक्र। भाई आप फैसलाबाद इधर ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस लाइन में, तो क्या ड्यूटी है आपकी इधर फार्म कलेक्शन में, क्या करते हैं आप? सर फार्म कलेक्शन में मैं एज ए रीचेकिंग ऑफिसर डॉक्यूमेंट को जो है वो कर रहा हूँ, ड्यूटी मेरी वो है। अच्छा, तो सर आपकी ड्यूटी क्या? मैं स्क्रूटनी ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। जो फॉर्म वगैरह मेरे पास आते हैं मैं उनके सारे स्क्रूट करके तो मैं रीचेक ऑफिसर के हवाले कर देता हूँ अपना फॉर्म। जी शुक्र। अच्छा आपका जो काम है इधर, यानी कि आप रीचेकिंग बोला है, आप काइंडली इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें कि रीचेकिंग में क्या है, या वो जो उम्मीदवार आ रहे हैं उनके लिए कोई आप बोलना चाहते हैं जो रिजेक्शन हो रही है, या क्या होना चाहिए कि वो वापस ना जाएँ? सर मैं इस चीज़ में ना जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है ऑफिशियली हमें बताएगी उस चीज़ को एलेबोरेट करना चाहूँगा कि जो डॉक्यूमेंट है उसमें सबसे पहले जो है टोटल 12 तस्वीरें हैं जिनमें से 4 जो है आपके फॉर्म पे लगाई जानी चाहिए, और उसके बाद जो 8 हैं वो अलहदा उसके साथ लिफाफे में या उसके साथ स्टेपल हो की जानी चाहिए फॉर्म के साथ, और उसके बाद जो आपके जो डॉक्यूमेंट में जो आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उसकी सभी की जो है 3-3 अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए, और उसके बाद आपका जो डोमिसाइल है वो फैसलाबाद को होना चाहिए, और फॉर्म फिलिंग में जो आपका मुस्तकिल पता है वो अकॉर्डिंग टू आपके CNIC होना चाहिए, जो आपने CNIC पे लिखा हुआ है वही आपको होना चाहिए, और सभी को उसके साथ एंड पे जो है 3 करेक्टर सर्टिफिकेट्स, ओवरऑल 12 पिक्चर्स, और उसके बाद 3-3 आपके डॉक्यूमेंट्स की जितने भी एजुकेशनल हैं उनकी अटेस्टेड कॉपीज़, 3 डोमिसाइल की और 3 आपके करेक्टर सर्टिफिकेट की होनी चाहिए। ये है ओवरऑल हम लोग जो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट या जो फॉर्म रीचेकिंग के। तो ये भाई आप हमें बताइएगा कि कुछ, मैंने देखा है कि इधर मैं अभी आया हूं विज़िट किया है कि कुछ हमारे जो ये यंग ब्रदर हैं वो वापस जा रहे हैं फॉर्म अनकम्प्लीट की वजह से, तो काइंडली कुछ हदायत इनको दें कि कौन सी ऐसी चीज़ क्यों, आप तो चेक कर रहे हैं इधर, आपको तो बड़ी अच्छे तरीके से पता है कि वो फॉर्म अनकम्प्लीट क्यों है, वो इनको काइंडली बता दें, वो इतनी दूर दूर से आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ हदायत अगर आप दे दें तो उनके लिए आसानी हो जाएगी हमारे चैनल के थ्रू। जैसा कि ज़मर भाई ने बताया कि आप जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स की, 3 करेक्टर सर्टिफिकेट हैं, 3 इसमें जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स हैं, और इसके अलावा 3 डोमिसाइल की कॉपीज़ हैं। मोस्टली लोगों का ये होता है कि कुछ की जो अटेस्टेशन नहीं होती डॉक्यूमेंट्स की, कुछ की पिक्चर्स अनकम्प्लीट होती हैं, उसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट किसी का नहीं लगा, उसके अलावा मुश्किल पता कहीं उन्हें रॉन्ग लिखा हुआ है, तो हम उसे फिर ये रिकमेंड करते हैं कि वो अपना फॉर्म कम्प्लीट कर लाए ताकि उसके बाद में रिजेक्शन लिस्ट में नाम ना आ जाए कहीं, क्योंकि वो फिर बाद में ज़्यादा वो उसके लिए तंगी होगी, बजाय इसके कि बाद में वो तंगी काटे हम उसको कहते हैं कि पहले ही फॉर्म चेंज करके चीज़ें अपनी कम्प्लीट कर लें। अच्छा, तो ये भाई करेक्टर सर्टिफिकेट एक पुलिस की तरफ से इशू किया जाता है जो हमारी पुलिस खिदमत मरकज से इशू किया जाता है। कुछ दोस्तों से मुझे भी क्वेश्चन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कॉल आ रही थी कि वो क्वेश्चन जो वो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो पुलिस वाला है कि वो स्कूल वाला जो स्कूल से इशू किया जाता है? नहीं, वो सिर्फ स्कूल वाला करेक्टर सर्टिफिकेट है, वो जो बाद में होगा ना पुलिस वाला करेक्टर सर्टिफिकेट वो डिपार्टमेंट हमारा खुद वो उसको टैकल करेगा बाद में सारे मामलों को।